हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंटिंग सीखो। दोस्तों, आज की यह वीडियो हमारी बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में है और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटेन कम्युनिकेशन, यानी रिटेन कम्युनिकेशन जो होता है उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या क्या उसके नुकसान होते हैं, इसको हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैं रिटेन कम्युनिकेशन की मीनिंग और डेफिनेशन को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ और रिटेन कम्युनिकेशन किस किस तरीके से किया जाता है उसको भी उसमें मैं बता चुका हूँ। तो आपको अगर रिटेन कम्युनिकेशन के बारे में जानना है कि यह क्या होता है, कैसे किया जाता है, तो आप इससे पहले की वीडियो देख सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं एडवांटेजेस के बारे में कि रिटेन कम्युनिकेशन करने के क्या एडवांटेजेस या फ़ायदे होते हैं। इसमें हमारा पहला पॉइंट है परमानेंट रिकॉर्ड। जब रिटेन कम्युनिकेशन किया जाता है, यानी किसी से कोई डीलिंग कर रहे हैं या कोई ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और वह रिटेन फॉर्म में है, तो यह उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक परमानेंट रिकॉर्ड हो जाता है जिसे फ्यूचर रेफरेंस के लिए ज़रूरत पड़ने पर यूज़ किया जा सकता है। तो रिटेन कम्युनिकेशन का यह एक एडवांटेज होता है। अब इसका दूसरा एडवांटेज है लीगल डॉक्यूमेंट। अब रिटेन में जो भी कम्युनिकेशन किया जाता है वह लीगल डॉक्यूमेंट के लिए भी एक्सेप्ट किया जाता है। इस तरह यह एक ऐसा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो जाता है जो किसी एम्प्लॉयज़ और उसके क्लाइंट के बीच हुए डिस्प्यूट में एविडेंस के तौर पर कोर्ट में प्रेजेंट किया जा सकता है। इसका तीसरा एडवांटेज है एक्यूरेसी। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो उसके पास रिटेन डॉक्यूमेंट होते हैं वह एक्यूरेट भी होना चाहिए, यानी उसमें जो भी मैसेज या इन्फॉर्मेशन है वह क्लियर होनी चाहिए जिस पर लोग ट्रस्ट कर सकें। तो इसलिए रिटेन डॉक्यूमेंट जो है वह एक्यूरेट भी होता है और इस पर लोग ट्रस्ट करके आगे के जो डिसीजंस हैं वो ले सकते हैं। इसका अगला एडवांटेज है नो नीड ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट। अब इसमें पर्सनल कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं है या ज़रूरी नहीं है कि जिनके बीच कोई कम्युनिकेशन करना है वह आमने सामने रहें तभी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर की जा सकती हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। रिटेन कम्युनिकेशन का तो यही एडवांटेज होता है कि किसी को भी लिखकर उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोई ज़्यादा दूर है तो उसे ईमेल के ज़रिए अपनी बातों को रख सकते हैं। तो इस तरह रिटेन कम्युनिकेशन का यह फ़ायदा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सुटेबल फॉर लेंथी मैसेजेस। अब अगर आपको डिटेल में सारी बातों को एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए रिटेन कम्युनिकेशन बेस्ट है। आप लिखकर किसी को भी वह सारी चीज़ें बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोई पॉलिसी, कोई रूल्स रेगुलेशन के बारे में आप किसी को कुछ बताना चाहते हैं तो वह आप रिटेन में लिखकर उन्हें समझा सकते हैं। अब किसी के सामने आप सारी बातों को बताएंगे, सारे रूल्स रेगुलेशन को उन्हें समझाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसलिए यह लेंथी मैसेजेस के लिए सुटेबल होता है। तो इससे अच्छा है कि आप रिटेन में सारी चीज़ें उन्हें दिखा दें, उन्हें भेज दें। इसका नेक्स्ट एडवांटेज है इट सेव टाइम एंड मनी। रिटेन कम्युनिकेशन से टाइम और मनी दोनों सेव होता है। जिनके साथ आप बिजनेस कर रहे हैं उनसे कोई बातचीत करनी है, किसी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है या आपको बतानी है और वह कहीं और हैं, किसी दूसरे स्टेट में या फिर कंट्री के बाहर भी हो सकते हैं, तो आप उनसे ईमेल के ज़रिए कॉन्टेक्ट करके अपने टाइम और पैसे दोनों को बचा सकते हैं। अब रिटेन कम्युनिकेशन का नेक्स्ट और लास्ट एडवांटेज है क्लियर अंडरस्टैंडिंग। अब क्लियर अंडरस्टैंडिंग से मतलब यह है कि किसी को बोल कर बताने से अच्छा उसे लिख कर कोई बात बताई जाती है तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। अगर कोई कन्फ्यूज़न भी होती है तो वह दो तीन बार पढ़कर उसे आसानी से समझ सकता है। तो इस तरह रिटेन कम्युनिकेशन बेस्ट होता है और इस तरीके से इसे समझने में भी आसानी होती है। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स थे रिटेन कम्युनिकेशन के एडवांटेज के बारे में। अब हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं। अगर रिटेन कम्युनिकेशन से हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं तो उससे कुछ नुकसान भी हैं। तो अब आइए इसके डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं इन्हें एक एक करके समझते हैं। तो रिटेन कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेज का सबसे पहला पॉइंट है टाइम कंज्यूमिंग। रिटेन कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस होती है वह टाइम कंज्यूमिंग होती है, यानी कि किसी से कोई बात कहने या बताने के लिए आप सबसे पहले उसे लिखेंगे
और उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा कि वह क्लियर हो, कंप्लीट हो और करेक्ट हो, ताकि उस पर्सन को वह आसानी से समझ में आ जाए। तो इस तरह यहाँ आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा उस मैसेज या इन्फॉर्मेशन को लिखने में। तो यह रिटन कम्युनिकेशन का एक डिसएडवांटेज है। इसका दूसरा पॉइंट है डिलेड फीडबैक। अब जैसा कि हम ओरल कम्युनिकेशन में समझे हैं कि ओरल कम्युनिकेशन में हमें इमीडिएट फीडबैक मिलता है, किसी को हम कोई बात बताएं तो वह उसे सुना, समझा और फिर तुरंत वह उसका रिस्पांस हमें देता है। हम जो भी इन्फॉर्मेशन दिए हैं वह उसे कैसी लगी, किस तरीके से वह समझा है, तो उसका तुरंत हमें फीडबैक वहाँ मिल जाता है। पर रिटन कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर इमीडिएट रिस्पांस नहीं मिलता है, तो यह भी एक डिसएडवांटेज होता है। इसका तीसरा पॉइंट है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब यह है कि यह जो रिटन कम्युनिकेशन होता है यह फ्लेक्सिबल नहीं होता है। अब ओरल कम्युनिकेशन जो होता है वह फ्लेक्सिबल होता है। जब किसी से ओरल कम्युनिकेशन किया जाता है यानी बोलकर कोई बात बताई जाती है, तो वहाँ कोई गलती हो जाती है तो वह तुरंत वहाँ उसे हम सही कर सकते हैं, यानी कुछ ऐसा बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए तो तुरंत हम उसे सॉरी बोलकर करेक्ट कर सकते हैं। पर रिटन में ऐसा नहीं होता है। एक बार जो बात हम लिख दिए हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी ऑर्डर हम लिख दिए हैं सामने वाले पर्सन को और वह उसे पढ़ लिया है, फिर हमें बाद में याद आया कि नहीं, वहाँ पर कुछ पॉइंट्स थे जो हमें नहीं लिखने चाहिए थे, वो उसे नहीं बताने चाहिए थे, तो फिर वहाँ पर हम उसे सही नहीं कर सकते। इमीडिएट तो हम उसे सही नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से यह रिटन कम्युनिकेशन के एक डिसएडवांटेज है। जब कोई चीज़, कोई ऑर्डर या कोई इंस्ट्रक्शन रिटन में हो जाते हैं, रिटन में लिखे जाते हैं, तो वहाँ पर फिर उसमें चेंजेस किए जाना थोड़ा मुश्किल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्लैरिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल। अब इसका मतलब यह है कि अगर रिटन में किसी से कोई बात कही गई है, कोई इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, तो जो रिसीवर है, जो उसे पढ़ रहा है और उसे बीच में कोई कन्फ्यूज़न आ गई, कोई डाउट है, तो रिटन में कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ उसे वह तुरंत क्लैरिफाई नहीं कर सकता है। तो किसी भी तरह की क्वेरीज़ के लिए रिसीवर को वापस रिटन में ही लिखकर पूछना पड़ेगा। तो इस तरीके से रिटन कम्युनिकेशन में क्लैरिफिकेशन तुरंत पॉसिबल नहीं हो पाती है। रिटन कम्युनिकेशन का नेक्स्ट और लास्ट डिसएडवांटेज है मीनिंगलेस टू इलिटरेट। यानी अगर कोई पर्सन जो पढ़ा लिखा नहीं है तो उसके लिए यह जो रिटन कम्युनिकेशन है वह मीनिंगलेस है, वह बेकार है, तो वह उसे समझ ही नहीं पाएगा क्योंकि वह पढ़ा लिखा नहीं है। तो उसके लिए ओरल कम्युनिकेशन ही करना होगा, यानी बोलकर ही उसे वो सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। तो यही कुछ पॉइंट्स थे रिटन कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। इसी तरह की और यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन रखें, ताकि आगे की आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में और वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल में जाकर इसकी प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें, और शॉर्ट वीडियोस या टिप्स के लिए आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।